मुलाकात हुई, क्या बात। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से हर कोई जानना चाह रहा है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की है। मंगलवार की सुबह मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनकी मुंबई स्थित निवास पर पहुंचे। अब जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर पर है, इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में क्यासों का दौरा शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है बीजेपी बंगाल में एक चुनावी चेहरे की तलाश कर रही है। मिथुन बंगाल में धरती पुत्र माने जाते हैं, उनकी बंगाल में जबरदस्त लोकप्रियता है। ऐसे में मिथुन दा और मोहन भागवत की मुलाकात के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इस खबरों को खारिज कर दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सफाई में कहा है, मेरे उनसे आध्यात्मिक जुड़ाव है। हम पहले लखनऊ में मिले थे, तब मैंने उनसे अपनी मुंबई स्थित घर आने के लिए कहा था। इस मीटिंग को लेकर किसी भी तरह की अटकलें ना लगाएं, वैसा कुछ भी नहीं। ओ, पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आए तो आप मेरे पे घर आऊंगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी मुंबई में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए, किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे, फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए इतनी बातें और कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट किए, नो राजनीति नथिंग, इसको जोड़िए हमारे। दरअसल इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात की थी। यह मुलाकात नागपुर स्थित संघ के कार्यालय में हुई थी। मिथुन ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा को फूल चढ़ाया था। मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तबीयत खराब रहने और लगातार सदन में अनुपस्थित रहने की वजह से 2016 में उन्होंने खुद ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद मिथुन की राजनीति में फिर से दिलचस्पी को टटोला जा रहा है। उधर बंगाल में चुनाव तिथि की घोषणा कब होगी, इस पर भी निकाहें टिकी है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में चुनाव का ऐलान 22 फरवरी के बाद हो सकता है, क्योंकि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। अपने बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, इसके बाद ही चुनाव तिथि की घोषणा की बात कही जा रही है। बंगाल में वैसे भी विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में होते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक के बाद योजनाओं और उद्घाटन का शिलान्यास कर रही है, क्योंकि चुनाव तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।